नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और खुद को आत्मार्पित करते हैं। इन दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और भारतीय संविधान के मुताबिक चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है, अपने लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के चुनाव का। इस सबके बीच साल के शुरुआत में ही 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का एक ऐतिहासिक फैसला भी आता है। 7 जजों की पीठ 4-3 के मुकाबले फैसला देती है कि धर्म, जाति और संप्रदाय तथा भाषा के नाम पर नेता वोट नहीं मांग सकते। संविधान पीठ ने धर्म, भाषा, संप्रदाय और जाति के नाम पर वोट मांगने को करप्ट प्रैक्टिस माना, यानी भ्रष्ट आचरण कहा। फैसला जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या करते हुए दिया गया और इस धारा के अनुसार इन विषयों के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और ऐसा करने पर किसी प्रत्याशी का चुनाव रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भी ये देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दलों में इस फैसले के प्रति वो प्रतिबद्धता नहीं दिखती। खुलेआम फैसले के 1-2 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन का आधार ही उनके धर्म को बना देती है। देश के कमोबेश सभी राजनीतिक दल जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आते और धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर अपनी चुनावी वैतरणी पार करते हैं, सियासी रोटी सेकते हैं, समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के ताने बाने को तार तार करता है। आज आमने सामने में चर्चा का विषय ही यही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के आधार पर वोट क्यों और कब तक। इस विषय पर हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण विजय जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली खान साहब और साथ ही साथ द ट्रिब्यून के लीगल संपादक, विधि संपादक हमारे साथ जुड़े हैं सत्यप्रकाश जी। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम तरुण विजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला आपके ही विधायक के मामले से शुरू होता है। अभिराम जी का मामला था 1990 का, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, ये मामला खींचते हुए अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। आपकी टिप्पणी अदालत के फैसले। देखिए, अदालत ने बहुत देर लगा दी, पहले ही फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन यह न्याय की प्रक्रिया ही देश में ऐसी है। एक बात और संशोधन में कहना चाहूंगा, आपने जो संविधान का पाठ पढ़ा है उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में संशोधन करके धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष कर दिया गया जी, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्म का अर्थ मजहब या संप्रदाय या आस्था से नहीं है। धर्म का अर्थ है राइटसनेस, धर्म का अर्थ है नैतिकता, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको व्याख्यात किया है और जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसको व्याख्यात किया है। अतः जो भी लोग इस प्रकार से मजहब को, संप्रदाय को, आस्था को लेकर चुनाव में जाते हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जब वे अपने उम्मीदवार तय कर रहे हैं और घोषित कर रहे हैं तो वे प्रदेश की विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं या किसी मस्जिद के इमामों का संगठन बना रहे हैं जी। वो बना क्या रहे हैं? क्या हमारे संविधान में अब लोग इस नाते से आएंगे कि हम भारत के लोग नहीं कहेंगे, हम भारत के हिंदू, मुसलमान, यादव, वैश्य और फलाने ढीम के, वो हम इकट्ठा होंगे? ये अम्बेडकर की कल्पना, संविधान की मूल कल्पना और भारत की अखंडता के विरुद्ध जाता है। इसी दृष्टि ने भारत का विभाजन कराया और 10 लाख लोग मारे गए थे। इसी विभाजन ने कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं का निर्वासन कराया, क्योंकि जिहादी तत्व उनके मजहब के कारण उनके पीछे पड़े थे और अभी तक वे लौट नहीं पाए। इसी के कारण से सियासी माहौल में एक जहर घुलता है और उस जहर के कारण से राजनीति प्रभावित होती है। इसका मुकाबला किया जाना चाहिए और कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो भी इस बात को करे उसके बारे में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से उम्मीदवारों के चयन करते समय यह घोषित किया गया कि इतने मुसलमान घोषित करें। अरे, हिंदुस्तानी कहिए, अपने अच्छे उम्मीदवार कहिए, अपनी पार्टी के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नेता कहिए। ये हिंदू मुसलमान में राजनीति को बांटने वाले हिंदुस्तान को बांटते हैं जी। तरुण विजय जी, कांग्रेस से प्रतिक्रिया चाहेंगे, मोहम्मद अली खान साहब आपकी प्रतिक्रिया इस मामले पर। ऐसे में तब जबकि खुद उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा ने धुआंधार वोट दिए, वो भी तकरीबन 100 उम्मीदवारों को, और आपको भी अफसोस है कहीं ना कहीं कि सपा से गठबंधन हुआ, बसपा से कहीं ना कहीं छूट गया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो सबसे पहले मैं तो तरुण भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात की तरुण भाई ने कि बिल्कुल जो ये लोग जहर फैलाते हैं समाज में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें सजा मिलना चाहिए। अब ये देखिए, पिछले हफ्ते भाजपा के एक उम्मीदवार ने क्या स्टेटमेंट दिया डायस पे खड़ो के। मैं तरुण भाई को एम्बेरस नहीं करना चाहता दोबारा दोहरा के, उससे पहले पिछले एक साल में जितने नेताओं ने जाके ये हिंदू मुसलमान वाली बातें की हैं, किस पार्टी के थे वो सब भाजपा के थे या भाजपा के सपोर्ट से खड़े थे। चलिए उन सब का नाम नहीं लेते, छोड़ देते। अमित शाह जी ने जब घोषणा पत्र अनाउंस किया, तो घोषणा पत्र इनका लॉन्च किया, तो क्या बोले? राम मंदिर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है,
तो उन्होंने बोला कि जो मुसलमान औरतों पर जुल्म होता है उसे रोकेंगे, ये धार्मिक बातें नहीं है तो क्या है और किस उद्देश्य से कही जा रही है? सुन लीजिए तरुण भाई जी, ये आप लोग एक तरफ तो ये दोगलापन करते हैं कि धर्म धर्म धर्म, हम लोग जो है बार बार धर्म की बात करते हैं, मगर दुख की बात यह है ये जहर चाहे कैराना में हुआ हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके हुआ हो ये, और ट्रिपल तलाक का जिक्र एकदम से जोड़ के आया हो, एक ही पार्टी जिम्मेदार है और वो है भाजपा। तो और ये जो जहां तक जजमेंट का सवाल है, सर हमें बताएंगे बिल्कुल राइटफुली, ये जजमेंट अराइज होता है मुरली मनोहर जोशी वाले केस से जो जस्टिस जी एस वर्मा ने प्रोनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरू हुआ अभिराम सिंह जी के केस से, बाद में सुंदरलाल पटवा का केस उसमें जुड़ा और बाद में हमने कई मामलों को जोड़ते हुए संविधान पीठ निर्माण की। आपसे जानेंगे सत्यप्रकाश जी, कितना दूरगामी मानते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको कितना असरदार भी देख रहे हैं? देखिए, ये परिप्रेक्ष्य इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फैसला ऐसे समय आया जबकि 5 राज्यों में चुनाव होने थे जी, लेकिन ये जो फैसला है जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत, ऐसा नहीं है कि अब के पहले और इस फैसले के पहले धर्म जाति या संप्रदाय या कहें कि भाषा के नाम पे वोट मांगना जायज़ था। इस फैसले के पहले भी वो गलत था, वो भ्रष्ट आचरण में आता था, इस फैसले के बाद भी है। इस फैसले का कहें कि स्कोप बहुत लिमिटेड था, उसमें था कि एक एक्सप्रेशन था हिज, उसको लेके, ये हिज जो है वो कैंडिडेट के लिए है या वोटर के लिए, उसको लेके था। कोर्ट ने कहा ये सिर्फ कैंडिडेट नहीं, वोटर भी उसमें शामिल है। तो एक तरह से कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी है कि ये इसका स्कोप थोड़ा सा पहले से कहें कि और विस्तारित हो गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं था, आमतौर पे लोगों को ये समझ में लोग ये समझ रहे हैं कि इस फैसले के बाद धर्म या जात के नाम पे वोट मांगना गलत है, इसके पहले भी गलत था अब भी गलत है। एक दूसरा ये है कि इस फैसले को लेके जो अभी जो सबसे ज्यादा लोगों को ये हो रही है कि इस फैसले के बाद चुनाव के दौरान किस तरह से जनता के सामने जाए, चूंकि इस देश में जिस तरह की राजनीति चलती रही है उसमें लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे वोट मांगते रहे हैं, अब क्या इस फैसले के बाद भी ये जारी रहेगा या उस पर रोक लगेगी? कई लोगों ने यह भी आशंका जाहिर की कि इसके बाद, जैसा कि माइनॉरिटी जजमेंट में है कि 3 जजेस ने इस, 4 जजेस उनके थे, उनसे फैसले से सहमत नहीं थे, उनका कहना था कि इससे लोकतंत्र में बहस जो है ना बहुत, उसका दायरा बहुत संकुचित हो जाएगा, इसलिए इस तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जो बहुमत का फैसला है वो सही है और ये कहीं भी उसको संकुचित नहीं करता है, इसलिए कि आप जात या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं उम्मीदवार हूँ और दो चीजें हैं, वोट नहीं मांगेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे तो वोट मांगेंगे ही। देखिए, नीतिगत फैसलों में अगर ये आता है धर्म जाति संप्रदाय भाषा तो क्या ठीक है, या फिर चुनाव के दौरान अगर इस मामले पे वोट मांग लिया जाता है तो ठीक है? सत्यप्रकाश, देखिए, जो जनप्रतिनिधित्व कानून है वो कैंडिडेट्स के लिए है, उसमें एक्सप्रेशन यूज है कैंडिडेट और हिज एजेंट्स, एजेंट्स और इलेक्शन एजेंट, वो उसके बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। इसलिए जो आम तौर पे जो पूरी चर्चा है, जैसे कोई राजनीतिक दल का नेता अगर कहीं कुछ कह रहा है, जैसे कोई कैंडिडेट है और कोई पॉलिटिकल लीडर उस पार्टी की तरफ से कोई एड्रेस करने, एक जनरल रैली हो रही है या वैसे चर्चा हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर उम्मीदवार हूँ, मैं अगर किसी, अगर कहें कि कोई दलित बस्ती में जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि दलित बस्ती के लोगों के लिए मैं कुछ करूँगा, और कैंडिडेट और जो लक्षित वोटर है दोनों शामिल है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इस दलित बस्ती के लिए मैं कुछ करूंगा, इसमें मैं जात के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं उस एरिया के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के उन्नति के लिए या बेहतरी के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं दलित हूँ इसलिए मुझे वोट दो या आप दलित हैं इसलिए मुझे वोट दीजिए, मैं उस क्षेत्र के विकास की बात कर रहा हूँ, किसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जात या धर्म के नाम पे वोट मांगना या ये कहना कि मैं फला जात या धर्म का हूं इसलिए मुझे वोट दो, या आप इस जाति के हैं इसके कारण आप मुझे वोट दो, इससे परहेज करना है, न कि ये ऐसा नहीं है कि जाति और धर्म से जुड़े हुए सारे मुद्दे एकदम से कहे के परिप्रेक्ष्य में चले जाएंगे, पृष्ठभूमि में चले जाएंगे और बिल्कुल चर्चा नहीं हो कि ऐसा राजनीति की तासीर में ही नहीं है। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तरुण विजय जी, इसके बाद लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आमने सामने। आज रिजल्ट आएगा, बेस्ट ऑफ लक, इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। कांग्रेट, पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है,
पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। बीए एमए करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म की क्या स्थिति होगी और भारतीय राजनीति का धर्म क्या होना चाहिए। भाषा, संप्रदाय, जाति के आधार पर वोट मांगने पर पाबंदी लगाई है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले द्वारा। और तरुण विजय जी हमारे साथ हैं। तरुण विजय जी, इससे पहले आपसे बात हो रही थी, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि धर्म और राजनीति में आप भेद ही नहीं करते हैं, आपके लिए तो दोनों कहीं ना कहीं अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं। इससे पहले अली खान साहब भी कह रहे थे, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अगर नेपथ्य में जाएं पर वो देखें तो, जैसे रथ यात्रा हुई, पूरा का पूरा आंदोलन हुआ, जिस तरीके से भाजपा की राजनीति खड़ी हुई, आपके ऊपर आरोप लगता है कि वो कोई आप राष्ट्रीय पुनर्जागरण नहीं कर रहे थे, धर्म आधारित राजनीति कर रहे थे। देखिए, राष्ट्रीय पुनर्जागरण की व्याख्या में ही अगर कोई खोट करेगा तो उसको कैसे समझाया जाएगा। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि माननीय अमित शाह जी ने ट्रिपल तलाक के बारे में घोषणा की, क्यों नहीं करेंगे साहब? हिंदुस्तान की महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होता है, मुल्लाओं का शिकंजा, वितंडावाद जड़ा हुआ है, उससे मुक्ति पाने के लिए मुस्लिम महिलाएं खुद छटपटा रही हैं। इतने आंदोलन हो रहे हैं दुनिया के किसी प्रगतिशील देश, किसी प्रगतिशील मुस्लिम देश में ये ट्रिपल तलाक नहीं है। और हिंदुस्तान में क्या ऐसा रखा हुआ है कि आप उसके पीछे अड़ गए हैं? मानो इस्लाम की पहचान और इस्लाम की रक्षा ये सिर्फ उस ट्रिपल तलाक पे निर्भर है, जिसके कारण से मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी भर सिसक सिसक कर घुट घुट कर मरने पर मजबूर होना पड़ता है। तो वो क्यों नहीं कहेंगे? ये भारत के हित में है और भारत के हित में कोई भी बात होगी तो कही जाएगी। दूसरी बात, कहराने की बात है कि हिंदू मरते रहे और घर से बेघर होते रहे, पहले कश्मीर से बेघर हुए, अब मुजफ्फरनगर कहराना से बेघर हुए, तो आह भी ना भरे। इसमें ये थोड़ी कहा जाता है कि इसलिए हो रहा है इसलिए हमको वोट, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मजहबी सियासत करते हैं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और जो भी ऐसा करेगा हम उसे ऐसा नहीं होने देंगे। अगर जाते भाई राम जन्मभूमि की बात है तो हम सिंपल ये बताते हैं, मैं स्वयं उस भूमि में रहा हूँ, मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी रहे हैं, सईद शाह नवाज हुसैन रहे हैं, ये राष्ट्रीयता का आंदोलन था। कल को कोई ना करे लिबर्टी स्टैचू को ओसामा बिन लादेन के लोग उखाड़ दें
और उसके बाद एक आंदोलन हो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए, तो क्या वो धार्मिक आंदोलन होगा? वह तो राष्ट्रीयता की पुनर्स्थापना का आंदोलन होगा, क्योंकि बाबर ने जो किया था राष्ट्रीयता की पुनर्स्थापना को ही धर्म आधारित राजनीति और धर्म नहीं है सर, ध्रुवीकरण की भी बात कहते हैं आपके जो विपक्षी हैं। धर्म नहीं है सर, वो तो बिल्कुल सांप्रदायिकता है। धर्म का अर्थ तो होता है कि अध्यापक का धर्म है बच्चों को पढ़ाना, और छात्र का धर्म है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, माता पिता का धर्म है बच्चों का लालन पोषण करना, वो धर्म है। जो बात आप कर रहे हैं वो पंथ की, संप्रदाय की, आस्था की बात कर रहे हैं, वो दूसरे हिसाब से हो जाती है, उसके बिल्कुल विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हैं सब भारत माता के लाल हैं, और वो अपने मजहबी आवरण से का कवच ना बनाए बल्कि भारतीयता को प्रतिष्ठा दे। भारतीयता घाटे का सौदा नहीं होनी चाहिए, भारतीयता फायदे की बात होनी चाहिए, अभिमान की बात होनी चाहिए। हम उस हिंदुत्व की भी बात करेंगे जिसको बड़े परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उस पर भी आप कहते हैं कि भौगोलिक स्थिति से रहने वाला हर भारतीय हिंदू है। हम आपसे अली खान साहब एक सवाल पूछेंगे। एक सेकंड, मैं चूंकि इंडस फेस्टिवल का जनक हूं, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडस रिवर है, इंडस रिवर के उधर रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया, और इसलिए इस देश का नाम इंडिया और लोगों को इंडियन कहा गया। उसी सिंधु को इंडस कहा गया, उसी सिंधु को हिंदू कहा गया, और सिंधु के उस पार रहने वालों को कहा गया है कि ये सिंधु पुत्र है या हिंदू है। अगर आप इंडिया एक्सेप्ट करते हैं तो हिंदू एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? आप तो आर्यावर्त और भारत वर्ष की भी बात करते जी, हैं। नहीं, हम तो आपको आप हमें इस बात का जवाब, अली खान साहब आपसे जानना चाहेंगे और हिंदू में फर्क, मोहम्मद अली खान साहब विषयांतर हो जाएगा, आपसे जानना चाहेंगे, पीछे आप भी नहीं है, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगता है। अगर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप कांग्रेस पर इस कदर लगा कि 2000 चाहे 1986 का वाकया देखें, चाहे 2004 में आंध्र प्रदेश की सरकार खुलेआम 5% रिजर्वेशन देने की बात शिक्षण संस्थानों में करती है, नौकरियों में करती है, 2014 में एनसीपी जो आपका गठबंधन है महाराष्ट्र में, वहां पर आप खुलेआम नौकरियों में आरक्षण की मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं। सीधा सीधा तुष्टिकरण, सीधा सीधा मुसलमानों के नाम पर राजनीति, और उसका कहीं ना कहीं हश्र भी आप लोग देखते हैं। चलिए, आपने बोला कि हम लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मगर उससे पहले मैं तरुण भाई की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इसका जवाब दे कि 2014 में सीधे मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात, धर्म आधारित आरक्षण की बात आपने की, इसका जवाब दे दे आप तरुण विजय के जवाब देने के लिए। अब तो मैंने हस्ताक्षर नहीं किया जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जवाब दूं। राम मंदिर के दरवाजे भी राजीव गांधी जी ने खोले थे, अगर आप ये मिसाल तो मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए सबसे पहले आप बनवा भी दीजिए ना तरुण भाई, अगर आप मैं बड़ा अच्छा लगा ये बोले कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक भाजपा की प्रवक्ता मिली एक डिबेट पे, वो भी बोली कि सारे मुसलमान यूपी के मेरे भाई हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात पूछना चाहता हूँ, इतनी गनीमत नहीं कर सके आप कि मुसलमान भाइयों को एक टिकट दे देते उत्तर प्रदेश में 403 में से, एक भी काबिल मुसलमान नहीं मिला। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, मैं मान रहा हूँ आपने हिंदुस्तानियों को दिया, पता नहीं क्यों मुसलमान उस पर भाषण नहीं आया। मुसलमान बता के टिकट देना, इसी के तो ऐतराज है सुप्रीम कोर्ट को भी। मुझे ये दुख हुआ कि मुसलमान बता के अगर टिकट दिया जाता है इत्तेफाक से भी 403 सीटों में इन्हें एक काबिल मुसलमान नहीं मिला भाजपा में, बड़े दुख की बात है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं दूसरी बात पे। भैया आप कहते हैं कि हम ये वाली राजनीति करते हैं, मुझे एक जनाब की बात याद आ गई जो बोलते थे हम 5 हमारी 25, और फिर बोलते थे कि ये जो रिलीफ कैंप है मुसलमानों के ये बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बन जाएंगी। अब साहब मैं ट्रिपल तलाक पे, मेरा जाती राय तो ये है कि नहीं होना चाहिए, हर पढ़े लिखे मुसलमान की राय ये होती है। नहीं नहीं कोई शुक्र गुजारी की कोई वजह नहीं है, मगर मैं ये बोलता हूँ जो इंसान ऐसे रिमार्क्स बोलते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं नहीं नहीं, और दूसरी बात, दूसरी बात, आप वहां से चले गए, आपने मुझसे सवाल पूछा, चीजों को विषयांतर कर रहे हैं आप। मुझे शुरुआती देखिए, अगर आपके पास जवाब नहीं है, जवाब तो हो जाएगा है सुनने के बाद। आप सोनिया गांधी, राजीव गांधी, मुझे रॉबर्ट वड्रा, आपने पूछा गांधी राजीव गांधी वड्रा की डिबेट इन दिशा में ले जाना, तो मैं आपको शुभ दिशाएं करते हैं। एक आपने मुझसे सवाल, संजीदा मुद्दे पे डिबेट चल रही, पूरा विषयांतर हो जाए। विषयांतर प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की चुनाव है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं और खुद को पाक साफ बता रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस पूरे अगर फैसले की बात करें तो इसमें 1995 के फैसले का भी जिक्र आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है। जी। इस
फैसले के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें इस फैसले के तहत और साथ ही साथ 1995 के फैसले पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर हाथ नहीं लगाएंगे, तो क्या आपको प्रभाव दिखता है वर्तमान फैसले का? देखिए, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, जो संविधान पीठ है उसने, कि 1995 के फैसले को पे वो पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं जी। तो वो फैसला जिसमें कि ये कहा गया कि हिंदुत्व एक विचारधारा है और एक जीवन शैली है, वो एक पंथ नहीं है, वो फैसला अपनी जगह कायम है जी। दूसरा, इस फैसले के बाद और इसका चुनाव पे क्या असर होगा, एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, आप चुनाव के नतीजे आने दीजिए और उसके बाद आप देखिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत जितनी भारी संख्या में इलेक्शन पिटिशन्स आएंगे, जिसमें कि जो चुनाव जीता हुआ उम्मीदवार होगा उसके उसकी जीत को चुनौती दी जाएगी, भारी संख्या में इसके बाद जो है ना इस ये पिटिशन्स आएंगे, इलेक्शन पिटिशन्स आएंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि ये इस उम्मीदवार ने धारा 123(3) का उल्लंघन किया है, इसलिए आपका इलेक्शन कमीशन केंद्रीय चुनाव आयोग इतना सक्षम और प्राधिकृत है कि इलेक्शन के दौरान जो है ना आपको बहुत कम समय होता है, उस दरमियान आप कोई उस तरह के बहुत होगा तो आप एक FIR दर्ज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद नतीजे आ गए, उसके बाद नतीजे को चुनौती दी जाती है, जो उम्मीदवार हार गया है वो 123(3) के तहत अब जो है ना मुकदमा दायर करेगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि अगले कुछ फैसलों के बाद कि इस फैसले की किस तरह से आगे व्याख्या की जाती है, क्योंकि बहुत सारे पिटिशंस अब आएंगे इलेक्शन पिटिशंस के रूप में जी। हम चर्चा जारी रखेंगे, वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आमने सामने। Here gravity in physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Yellow. गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना, 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प, GST कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता, GST वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक, GST एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। GST आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत सिर्फ ₹1 प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है ₹2,00,000 का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़े। Here gravity in physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प, GST कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता, GST वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक, GST एक राष्ट्र एक कर एक बाजार।
जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हम आज आमने सामने में बात कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म और भारतीय राजनीति का क्या हो वास्तविक धर्म। तरुण विजय जी, चर्चा हम कर रहे थे, आक्षेप भी आपके ऊपर लगा था कि अलग अलग तरीके के भड़काऊ बयान एक वर्ग विशेष को लक्षित करके आपके नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, या फिर दूसरे योगी आदित्यनाथ जैसे आपके बड़े नेता। चुनाव के दौरान कहीं और माहौल कड़वा हो जाता है, ऐसे में रोग भी है, किस दिशा में देखते हैं चाल चरित्र और चेहरे की जब बात करते हैं? देखिए, जो लोग कड़वाहट फैलाने के लिए ही राजनीति में आए हैं वे ही उसको ट्विस्ट करते हैं। आदित्यनाथ जी तो बेहद ही राष्ट्रीयता की बात करते हैं और किसी को भी किसी संप्रदाय के विरुद्ध कहने का कोई अधिकार होता नहीं है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर होती है कि विकास की बात की जाए, बाकी समुदाय परिवार नियोजन की बात करें और एक समुदाय के मुल्ला मौलवी कह दे कि हम तो ये मानेंगे ही नहीं और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो उस पर कहीं कहीं प्रतिक्रिया हो जाती है। लेकिन ये सावधानी रखनी चाहिए कि मजहबी आघात कहीं भी नहीं हो जाए। हमारे पार्टी के नेता इस बारे में बहुत सावधान है और जहां कहीं किसी के बारे में कुछ पाया भी गया तो तुरंत 24 घंटे में उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम तो एक ही बात में विश्वास करते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा। जी मोहम्मद अली खान साहब, आपके ऊपर आक्षेप लगता है कि आपने ऐसा मुस्लिम तुष्टिकरण किया, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आपकी इंटरनल रिपोर्ट है कि एक ऐसा माहौल बना कि प्रो मुस्लिम आपकी इमेज हुई। हरीश रावत अभी भी आपके कहते हैं जुमे के दिन खुलेआम छुट्टी का ऐलान करते हैं, फिर ये भी कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व का मामला कि गो हत्या करने वालों को देश निकाला होगा। देखिए, हम लोग कांग्रेस अपने आप को इस बात पे बड़ा फख्र रखती है कि हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं सच्चे मतलब से, चाहे हिंदू मेजोरिटी हो मुसलमान हो। इनफैक्ट 2014 में आप बड़ी अच्छी मिसाल दे रहे थे, मुसलमानों को ये लगा कि हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, इसलिए उन्होंने काफ़ी मुसलमान एनमास माइग्रेट करके भाजपा के लिए भी उन्होंने वोट डाला। तो ये जहाँ तक आरोप लगता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रो मुस्लिम है, ये तो मैं आपको अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये सही नहीं है। एक तरीके से एक बनाया गया फैंटम है जो अपोजिशन पार्टीज जो और पार्टियाँ एक्सप्लॉइट करती हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए हिंदू हो मुसलमान हो, हमारी बड़ी डाइवर्स सोसाइटी है और सब वर्ग एक जैसे नहीं है। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, इसी इनइक्वालिटी और इनइक्विटी को एड्रेस करने के लिए। तो ये कहना कि सबको बराबर ट्रीट करेंगे वो भी उचित नहीं है। आपको देखना पड़ेगा किसको किस चीज़ की मदद की जरूरत है और उसी वही सरकार का काम है, वही शासन का काम है कि वो प्रोवाइड करे। सत्यप्रकाश जी, आखिरी आपसे सवाल करेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति जिसमें हिंदू महासभा मुस्लिम लीग जैसे खुलेआम राजनीतिक दल रहे और वो कहीं ना कहीं विचारधारा भी लंबे समय तक पोषित होती रही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन MIM जैसे राजनीतिक दल आज भी है खुलेआम, हिंदुस्तान की तासीर में, हिंदुस्तान की सियासत की नब्ज में, DNA में क्या कुछ दिखता है कि धर्म कब तक मिला जुला रहेगा और ये फैसला कितना बड़ा चुनाव संबंधी सुधारात्मक प्रक्रिया होगा? तीन चीज़ें, पहले मैं ये शुरू करूँगा अली साहब ने जो कहा, अली साहब को धर्म निरपेक्ष भारत भी चाहिए और धर्म के आधार पर आरक्षण भी चाहिए और ये आरक्षण जनरली आरक्षण तो जनरली तो आरक्षण है। हाँ, आप मैं धार्मिक आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि कांग्रेस ने दिया हुआ है कुछ राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में आपने कहा, आप बताएं सत्यप्रकाश। दूसरा कम है, दूसरा जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मुद्दा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबको मान्य होना चाहिए। तीसरा, आपने पूछा धर्म के आधार पर राजनीतिक दल बने हुए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा हिंदू महासभा के सारे नेता कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो पंडित मदन मोहन मालवीय हो और कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के पास कांग्रेस के साथ रहे जी। लेकिन जो अहम चीज है वो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इलेक्शन कमीशन में जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है उनको एक हलफनामा दायर करना पड़ता है जिसमें उनको ये कहना पड़ता है वो संविधान में उनकी पूरी आस्था है और उसमें आस्था में धर्मनिरपेक्षता समाजवाद वो सारी चीजें जो प्रस्तावना में है उनमें भी आस्था उनको व्यक्त करनी होती है। इसके बाद वो क्या करते हैं, कई बार वो ठीक उसके उलट काम करते हैं। खेद की बात है कि निर्वाचन आयोग को इस बात का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल कितनी भी गलतियां क्यों न करें उनको वो डी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं जी। उसके बाद आपने पूछा चुनाव सुधार के मुद्दे, अब तक पिछले 5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं, इस फैसले को उसी कड़ी के रूप में देखना चाहिए। इसमें खेद की बात यह है कि ये सारे चुनाव सुधार के मुद्दे अभी अगर पिछला जो बजट में जो इस सरकार ने घोषणा की उसके अलावा किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है,
आवश्यकता इस बात की है कि सबसे ज्यादा चुनाव सुधार तब होगा जब राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप किस तरह से नियमित हों उसको लेके कोई कानून बनेगा। निश्चित तौर से राजनीतिक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी सभी राजनीतिक दलों को और एक चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। यूं तो भारतीय राजनीति जितनी जटिल है उससे कहीं ज्यादा जटिल है भारतीय समाज में धर्म और जाति का स्थान। भले ही कुछ राजनीतिक दल धर्म को अफीम कहें लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल सियासत धर्म पर ही करते हैं, जाति पर करते हैं, संप्रदाय और की धुरी पर करते हैं और ये इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं पर दोनों की जड़ें एक हैं। धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म का काम है अच्छाई करे और उसकी स्तुति करे, राजनीति का काम है बुराई से लड़े और उसकी निंदा करे। जब धर्म अच्छाई न करे केवल स्तुति भर करता है तो निष्प्राण हो जाता है और राजनीति जब बुराई से लड़ती नहीं केवल निंदा करती है तो कलही हो जाती है, सतही हो जाती है। आमने सामने में फिलहाल इतना ही। तरुण विजय जी, मोहम्मद अली खान साहब, सत्यप्रकाश जी, आप सभी लोग स्टूडियो आए, तफसील में हमसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमने सामने में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।